सागर के मकरोनिया में आयुर्वेद डॉक्टर के इलाज करने से एक युवक की जान चली गई। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रूपए में। आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें। आरोपी की घटना से कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और दम तोड़ दिया। मुकेश खत्री एमबीबीएस बेटे की डिग्री पर एलोपैथी से इलाज कर रहे थे। बहेरिया निवासी कल्लोबाई ने बताया कि उनका बेटा पुष्पेंद्र घर आया और सीने में दर्द होने की शिकायत बताने लगा। मैं उसका इलाज कराने के लिए सागर झांसी रोड पर डॉक्टर मुकेश खत्री के क्लिनिक पर पहुंची। यहां डॉक्टर खत्री के अलावा अन्य व्यक्ति बैठा था। पुष्पेंद्र स्वयं बाइक चलाकर बहेरिया से डॉक्टर खत्री के अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर खत्री ने बीपी चेक करने के बाद दवा व इंजेक्शन लिख कर दिए। मैंने ला कर दी तो डॉक्टर मुकेश खत्री ने उसे इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर पूछा कि अब कैसी तबीयत है। इसके बाद बोला कि लेटो नहीं, घूम कर आओ बाहर। बेटा कुछ देर बाहर घूमने के बाद वापस लौटा तो उसे हिचकियां आने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर खत्री उसका सीना दबाने लगे और ऑटो लेकर आने के लिए कहा। बेटे को कुछ दवा पिलाई लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। मैंने पूछा तो बोले बेटे के सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर विक्रम जैन के यहाँ ले जाओ। खुद ही ऑटो बुला दिया और बेटे को उसमें लिटा दिया। हम लोग डॉक्टर विक्रम जैन के पास पहुँचे तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। वापस डॉक्टर खत्री के पास गए तो वे झगड़ने लगे। कल्लोबाई ने बताया कि मैं और मेरा भाई यशपाल पुष्पेंद्र को लेकर रिपोर्ट लिखाने मकरोनिया थाने पहुँचे तो पुलिस ने बेटे को जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद थाने पहुँचे तब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लड़का खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तो 4 बजे सीना दर्द करो गए लगो खमा सीना से फिर आ रहा हो के पेट है फिर आ रहा हो के सीना दर्द समझ की चलो दवाई खो सुलवा ले आए। सो उन्हें देख के बीपी चेक करो वो कहने लगे ले भाई दवाई ले आ। सो हम उतनी बगल में मेडिकल से दवाई ले आए। कौन से डॉक्टर ने देखा था? वे मुकेश खत्री। मुकेश खत्री उन्हें यहाँ एक बार बैठी थी। मुकेश खत्री हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस उन्हें हम दवाई ले आए। उन्होंने इंजेक्शन लिखी थी उसमें इंजेक्शन लगाए वो तुरंत उनमें से खुराक खुआई जो हम ले आए थे खुआ के कहने लगी कहीं आराम है कहीं सो कही हाँ वे तो कछु आराम नहीं है। फिर उन्हें 2-3 शीशियों की दवाई पी आई होता इनसे खुदाई के ऐसे और एक दवाई सी लगाई पेट में कहीं कहा अब आराम है जो कहने लगो भैया कही हो कही अब पता न कहो आराम से है कहीं उठ के बैठ जाओ कहीं लीडो ने सुबह उठ के बैठ गाओ और फिर बैठो रहा हो तो फिर हमने की लेट जाओ तो मैं दर्द कही मम्मी दर्द हो रहा है सो हम ऐसे हाथ फेरा तो रहे हो कि पेट पे वो छाती पे और वो लेट हो रहा हो और बस कहने लगो मम्मी हम आते थे जो हाथ दर्द कर रहा हो भेज जब से इंजेक्शन लगो बहुत हाथ पर आ रहा हो है। इंजेक्शन किसने लगाया था? इंजेक्शन किसने लगाया उन्हें मुकेश खत्री। फिर बस इंजेक्शन लगा के इंजेक्शन लगा के बस फिर भी मोड़ा कहते चल के बाहर आ गए थे उन्हें जहाँ बैठी भी तो बस उन्हें कि सामने फड़फड़ाने लगो मोड़ा मोड़ा फड़फड़ाने लगो अगर हम कि कया होगा कया होगा अब भाई हमसे बात आ रहा हो तो अरे कही भाई कछु नहीं कही वो कोई सीना दर्दे कर रहा चलो कही आटू कर ले कही अपन उतर ले चल गई कही विक्रम जैन के हमने कि भैया को पहुँचा दे कोई को पहुँचा दे हम गए को सो कही भी गाय को मिलवाई ने सो हम ऐसे ही छोड़ के भी वो रही पकड़े ही ना हम ऐसे और बस हम सो चले गए आटू देख जो हम आटू हमें मिलो नहीं हमें ऐसे हाथ दाते मार देखो कह भैया आटू में सो बस उन्हें जो लो आटू बुला कहीं यार वो मैं बिठार दाओ अब हम उन्होंने लड़कों से होता है बोला आ रहा है भाई इतिया आटू होगा मैं आटू होगा वो मैं पार दाओ लड़का को हमें बिठार दाओ और पहुँचा दाओ वो तो ले गया सुबह। अभी आप थाने आई थी FIR हुई है ना? हाँ। क्या बोला ये साहब ने क्या बोला क्या प्रश्न मिला आप लोगों को? क्या बोलते सीना दुख रहा था घर पे पुष्पेंद्र हरवार उसका सीना दुख रहा था तो खुद अपने वो गाड़ी चला के लाया अपनी मम्मी को बैठा के लेके आया घर पे। कहाँ पे आया? जे डॉक्टर खत्री के इधर तो उनके इधर गया तो उनने एक इंजेक्शन लगाया उसको और बोला कि 2-5 मिनट इधर घूमो तो वो जैसा ही एक आधा मिनट बाद उसके मुंह में से फसूकर आ गया और वो उधर ही गिर गया।
और वो शांत हो गया था। अस्पताल वालों ने क्या बोलते उसको ऑटो किया और ऑटो में क्या बोलते उसको बैठा के और विक्रम जैन के दल ले गए। ठीक है, विक्रम जैन सर के दल ले गए तो उनने बोला कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जा रहे थे वो कह रहे ना पर्चा दे रहे हैं दवाई का ना कुछ कर रहे हैं। उसकी सूचना आपने थाने में दी है? थाने में गए थे सर, तो थाने सर ने बोला कि इधर ले जाओ अस्पताल, दिल्ली अस्पताल। मृतक का नाम क्या था? पुष्पेंद्र अहरवाल। कितने वर्ष की आयु? आयु सर होगी 28-29 साल। कहाँ के निवासी है? बहेरिया थाना, बहेरिया। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रुपए में। आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें।